hi dear students myself pooja patwa and today we are going to read our next chapter that is chapter number 5 from the book footprints without feet and the name of the chapter is footprints without feet so this is a story about a scientist who had discovered that human body can be invisible so how he became invisible and what did he do after becoming invisible लेटर्स रीड एंड फाइंड आउट कैन अ मैन बिकम इनविजिबल इनविजिबल क्या होता है अदृश्य हो जाना दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हुक हिमसेल्फ इनविजिबल डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल सॉरी विजिबल तो इनविजिबल मैन मैन पहली बार विजिबल कैसे बनते हैं वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स द टू बॉय स्टार्टड इन सरप्राइज एट द मडी पेयर ऑफ बैर फीट व हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन एंड वेर वॉज द मैन सो दो लड़के जो थे वो हैरान हो गए ये देख के तो वो उन्होंने क्या किया हैरान होकर उन्होंने मडी इम्प्रिंस मतलब कीचड़ वाले पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया और वो निशान कौन से थे नंगे पैरों के ठीक है वॉट वॉज द बेयर फिटेड मैन डूइंग तो वो नंगे पैर वाला आदमी घर की उन पे स्टेप्स पे सीढ़ियों पे क्या कर रहा था एंड वे वॉज द मैन और वो आदमी कहाँ पे था एज ए गेस्ट जब उनने घूर के देखा अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज तो एक रिमार्केबल शानदार सा दृश्य उनके सामने आया अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नोवैर और पता नहीं कहाँ से एक फ्रेश फुट मार्क सामने बन गया फर द फुट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर उसके बाद आगे आगे वो बढ़ते गए डिसेंडिंग द स्टेप्स डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब स्टेप से नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट और स्ट्रीट के तरफ की तरफ जा रहे थे द बोलो बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अन द मडी इम्प्रिंट्स इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर तो वो लड़के वो उनका तक उस उस तक उन पैरों का तब तक, तक, तक पीछा करते रहे जब तक के वो जो इम्प्रिंट्स थे वो धुंधले नहीं होते गए ठीक है द एक्सप्लेन एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए बिल्कुल खत्म हो गए मतलब दिखने बंद हो गए ठीक है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनऑफ तो अब इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत सिंपल थी द बीबिल्डर बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट तो वो दोनों लड़के एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे थे जिस जिसने के अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है ठीक है अच्छा वो अब ये बताओ कि वो जो पैर थे वो मड उनके इमप्रिंस कैसे बन रहे थे क्योंकि वो मड के बीच में से होकर गए थे तो जब मड के बीच में से होके गए तो मड उनके पैरों को लग गया जो साइंटिस्ट था उसके पैरों को लग गया और धीरे धीरे वो आगे आगे जैसे बढ़ता गया तो वो सारा उसके पैरों से उतरता गया और इमप्रिट्स बनने बंद हो गए ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड हैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल तो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट का नाम क्या था ग्रिफिन तो ग्रिफिन ने ये बताया उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है इसको ट्रांसपेरेंट इसको इनविजिबल बनाया जा सकता है अंत में उसने क्या किया कुछ एक रेड ड्रग्स रेड ड्रग्स मीन्स कुछ दवाइयाँ खा ली उसने और उस दवाइयों के खाने से क्या हुआ उसकी बॉडी जो थी वो क्या बन गई ट्रांसपेरेंट ठीक है एज अ शीट ऑफ ग्लास जैसे शी ग्लास लगा हो सामने शीट हो उसकी पतली सी चदर सी हो तो उसके आर पार देखा जा सकता है ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी है उसके भी आर पार देखा जा सकता है दाओ इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास बट वो सॉलिड उतनी ही थी जैसे कि ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है मगर वो सॉलिड भी होता है तो जो ह्यूमन बॉडी थी वो भी ऐसी बन सकती है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाओ ही वॉज चाहे वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रीफिन वॉज रेदर अ लॉ पर्सन लॉ मतलब लॉ ब्रेकर कानून का बिल्कुल भी पालन करने वाला नहीं ड लॉर्ड डिसलाइकड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम इजेक्ट him मतलब उसको बाहर निकालना तो लैंड लॉर्ड उसको पसंद नहीं करता था और उसको बाहर निकालना चाहता था इन रिवेंज ग्रिफिन सेट हिज फायर टू द हाउस सेट फायर मतलब आग लगाना रिवेंज मीन्स बदला तो बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया उसके घर को आग लगा दी टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही है टू रिमूव हिस्स क्लोथ्स अब वहाँ से बिना मतलब निकलने के लिए बच के निकलने के लिए कि वो उसको कोई देख ना पाए उसको अपने कपड़े क्या करने पड़ने थे उतारने पड़ने थे दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्ड्र इस तरह से वो होमलेस वॉन्डर मतलब बेघर यहाँ वहाँ घूमने वाला अवारा गर्द बन गया विदाउट क्लोथ क्लोथ्स नहीं थे विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल और पूरी तरह से अदृश्य एंड टिल ही हैप्पन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज ही वॉक तब तक वो इनविजिबल रहा जब तक कि उसके पैर जो थे वो मड में नहीं पड़े और उसके जो मड से उसके पैरों के जो छाप थी इम प्रिंट्स बनने शुरू नहीं हुए ही स्कीप इजिली इनाफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलो दिज फुट प्रिंट्स इन लंदन तो जो लड़के उनका पीछा उसका पीछा कर रहे थे उनसे वो बड़े आराम से बच गया क्योंकि अब उसके फुटप्रिंट्स बनने बंद हो गए थे बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर मगर जो उसके एडवेंचर्स थे जो वो काम कर रहा था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए थे ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ उसने लंदन का गलत टाइम चुना था आ, मतलब लं, आ, गलत टाइम चुना था साल का वो लंदन में घूमने के लिए वो भी बिना कपड़ों के इट वॉज मिड विंटर क्यों क्योंकि अभी मिड विंटर था विंटर का मिड था तो जब मिड होता है मतलब चाहे समर हो चाहे विंटर हो तो उसमें क्या होता है जो जो भी सीजन uh, होता है वो अपने एक्सट्रीम पे होता है ठीक है जब स्टार्ट हो रहा होता है तो कम होता है जब ख़त्म हो रहा है तो कम होता है बट जब मिड चल रहा होता है तो वो पूरा अपने पीक पे होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी दॉ बिटरली कोल्ड बहुत ठंडी हवा थी एंड यू कु नॉट डो विदउट क्लोथ्स अब क्लोथ्स के बिना तो वो रह ही नहीं सकता था इन स्टेड वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अग लंडन स्टोर फो वो तो अपने अपने गर्म को गर्म करने के लिए उसने सोचा कि स्ट्रीट से बेटर है क्यों वो कहीं स्टोर में लंडन के किसी कपड़ों के स्टोर में जाके गर्म हो बैठ जाए क्लोजिंग टाइम अराइड एंड एज सुन एज द डोर वॉर शर्ट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिम सेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस अब जैसे ही ज, आ, श, आ, स्टोर को बंद करने का टाइम आया तोन ने क्या किया वो फटाफट से एक रूम के अंदर एक स्टोर के अंदर घुस गया ठीक है और वहाँ पर उसने क्या किया उसने कपड़े पहन लिए खाना खा लिया और उसको खर्चा भी नहीं आया ठीक है ही ब्रोक ओपन बॉक्सिस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसल्फ इन टू वार्म क्लोथ तो बॉक्सेस खोले वहाँ से कपड़े निकाले रैपर्स खोल के अपने आप को कपड़ों में से ढक लिया मतलब गर्म कपड़े पहन लिएज एंड ओवर कोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हार्ट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल मैन पर्सन तो उसने वहाँ वहाँ से क्या क्या करा शूज़ पहन लिए ओवर कोट पहन लिया वाइट रिम्बड हैट हाँ पहन ली और इस तरह से पूरी तरह ड्रेस्ड हो गया और दिखना शुरू हो गया इन द किचन ऑफ़ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी रेस्टोरेंट के किचन में उसे कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी मिला एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर तो उसके बाद उसने पहले मीट और कॉफ़ी पी फिर उसके बाद उसने क्या मील के बाद क्या किया स्वीट्स खाई और वाइन ली और वाइन कहां से ली ग्रोसरी स्टोर से फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स तो एक पाइल ऑफ क्या होती हैं रजाइयाँ तो रजाइयों के ढेर के ऊपर वो सो गया इफ ओनली ग्रिफिन हार्ड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता टाइमली उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अपिटेंट्स सो अगर वो टाइमली उठ जाता तो सब कुछ ठीक जाता एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक assistants वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तब तक नहीं उठा जब तक के असिस्टेंट्स नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचे नहीं वन ही सॉ अ कपल ऑफ them, जब उसने उनको देखा तो फिर क्या हुआ अप्रोचिंग ही panicked and टैन बिगेन टू रन पैनिक मीन्स डर गया ठीक है तो वो डर गया और उसने डर के क्या करना शुरू कर दिया रनिंग करनी स्टार्ट कर ली देर नेचुरली गेव चेज ऑब्वियसली उन्होंने उसका पीछा करना था इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ इस न्यूली फाउंड क्लोथ अब वो कैसे बच पाया उसको फटाफट से अपने क्या करें कपड़े उतारने पड़े ठीक है सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इन विजिबल बट नेक्ट इन द चिल जनवरी इयर अब अब वो बच तो गया बट बिल्कुल बिना कपड़ों के था अब उसको ठंडी ठंडी हवा लग रही थी दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स इस बार उसने सोचा जो थिएट्रिकल कंपनी है वहाँ पे वो जाएगा और वहाँ से उसको कुछ कपड़े ही नहीं कुछ ऐसा भी मिलेगा जिससे कि शोल्डर्स के ऊपर जो खाली जगह है वो भी कवर हो जाएगी शिवरिंग विद कोल्ड ही हरे टू ड्रोरी लेन तो ड्रोरी लेन में वो थिएट्रिकल था वहाँ थिएट्रिकल वर्ड था वहाँ पे वो कांपता हुआ पहुँचा ही स्वन फाउंड अ सूटेबल शॉप एक शॉप भी मिल गई ही मेड हिज वे इनविजिबल बिना दिखे किसी को वो वहाँ से गया आप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वेरिंग बैंडेज इज अराउंडोर हेड तो वो नीचे उतरा और उसने क्या पहना हुआ था फोर हेड के आसपास उसने अपने बैंडेजेस पहनी हुई थी डार्क ग्लासेस पहने हुए थे फॉल्स नोज अ बिग बुशी साइड विस्कर्स बिग बुशी साइड विस्कर्स पहनी हुई थी एंड अ लार्ज हैट टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अट्रैक्ट द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड तो कोई उसको देख ना पाए उसने क्या किया बुरी तरह से उसको शॉपकीपर के ऊपर पीछे से हमला किया आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड और उसके बाद उससे उसको जितना पैसा मिला वो सारा उसने वहाँ से चुरा लिया ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग अब वहाँ से भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने के लिए उसने एक ट्रेन ली और वहाँ से वो विलेज में पहुँचा विलेज का नाम क्या था ईपिंग ठीक है वेर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन लोकल सराय में उसने दो रूम बुक किए

द लैंड लॉर्ड्स वाइफ तो जो मिसिज हॉल थी वो कौन थी लैंड लॉर्ड की वाइफ थी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली तो उसने पूरी कोशिश करी कि वो उसके साथ पोलाइटली बात करे बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर बट उसकी कोई बात करने का मूड नहीं था तो उसने बताया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू ई पिंक टू अ डिज़ायर फॉर सॉलीटूड कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एकांत चाहिए सॉलीट्यूड मीन्स एकांत आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क मैं नहीं चाहता मुझे कोई मेरे काम में डिस्कर्ब डिस्टर्ब uh, करे बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई नोज और एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से जो मेरा नो फेस uh, है वो खराब हो गया सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन असेंट्रिक असेंट्रिक मीन्स जिसका नेचर अजीब सा हो तो उसने मान लिया कि ये कोई असेंट्रिक साइंटिस्ट है एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही है इन एडवास और उसने जो साइंटिस्ट था उसने उसको मिसेस हॉल को एडवांस में पैसे भी दे दिए थे सो मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज दिस हे स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इन रिटेबल तो मिसेस हॉल उसके लिए उसके जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी और उसके चीज़ों को इग्नोर कर दिया उसके बिहेवियर को बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग अब स्टोलन मनी थी वो तो कि एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही थी तो वो ख़त्म हो गई एंड प्रिजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश और ग्रिफिन को ये बताना पड़ा कि उसके पास और पैसा नहीं है ही प्रिटेंडेड हाउ अवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट बट उसने दिखावा किया ये दिखाया कि उसको कोई चेक आने वाला है जो किसी भी पल आ जाएगा शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अक्कर क्यूरियस मीन स्ट्रेंज तो थोड़े ही टाइम के बाद एक अजीब सा अजीब सी घटना हुई वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकंड बाय नॉइसिस इन द स्टडी तो बहुत सुबह की बहुत सुबह सुबह क्या हुआ एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ को वाइफ उठ गए कि स्टडी रूम में कोई आवाजें हो रही थी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैंस डेस्क तो चिंक ऑफ मनी मीन्स मनी की जो टनटन होती है उसकी आवाज़ जो होती है तो उनको मतलब सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए उनको क्या सुनाई दी आ, मनी की आवाज़ की जो कि उसके डेस्क में से क्लर्जी मैन के डेस्क में से निकाली जा रही थी विदाउट मेकिंग एनी नॉइस विद अ पोकर ग्रैस फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर बिना कोई शोर किए उन्होंने अपनी आ, पीछे से अपना डोर खोला और उसको बोला सरेंडर के उसको बोला कि सरेंडर कर दो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। अब वो देख के हैरान रह गया कि रूम में तो कोई नहीं थी, था ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क उन्होंने डेस्क के नीचे देखा बिहाइंड द करटन्स एंड इवन अप द चिमनी दैट वॉजन द साइन ऑफ एनी बडी बट वहाँ पे कोई नहीं था येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग और जो पैसा था वो घूम गया था एक्स्ट्राऑर्डनरी अफेयर द क्लर्ची मैन कैप्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे सारा दिन वो कहता रहा है कि ये तो बड़ा अजीब सा कहाँ बात हुई बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग अब इतना ज़्यादा अजीब नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का अगली मॉर्निंग हाल हुआ था द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली तो सुबह बहुत जल्दी उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो बिल्कुल खुला हुआ है यूजअली इट वॉज शार्ट एंड लॉक्ड ज़्यादातर ये क्या होता था बंद होता था और लॉक होता था एंड ही फ्यूर फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर द रूम और वो गुस्सा हो जाता था अगर उसके रूम में कोई एंटर करता था द अपरचुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड अब उनके लिए तो एक तरह का मौका हो गया था कि वो अंदर जा सकते थे द पीप्ड टाउंड द डोर उन्हें रोड डोर के पास से अंदर झांका, सो नो बडी कोई नहीं दिखा एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट और उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट साइंट मस्ट हैव बिन अप फॉर समाइम बेड क्लोथ ठंडे थे जिनसे कि पता चला चल साइंटिस्ट वहाँ पर नहीं था और वो कहीं पर बाहर गया हुआ था थोड़ी देर के लिए द एंड स्ट्रेंजर्स ट्रिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजिज डेट ही ऑलवेज वर वर लाइंग अबाउट द रूम और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जो वो कपड़े और बैंडेज पहनता था हमेशा वो वहीं पर रूम में पड़े हुए थे ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर इय स्निफ मिस हाँस की आवाज़ जैसे डॉग्स करते हैं सूखने की आवाज़ तो मिसिस हॉल को अपने कानों के पास वो आवाज़ सुनाई थी अ मोमेंट लेटर द हार्ट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इन टू इट्सर्व इन टू हर फेस और एक पल के बाद क्या हुआ कि बेड पोस्ट के ऊपर जो हैड पड़ी हुई थी वो उसके फेस के पास हंस के लगी देन द बेडरूम चेयर बिकेम अ उसके बाद जो बेडरूम चेयर थी वो जिंदा हो गई स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर तो हवा में उड़ती हुई यह सीधी उसकी तरफ पहुंची लेग्स फॉरमोस्ट और लेग्स उससे आगे की तरफ थी ए शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर तो वो जैसे ही मुड़े दोनों डर के द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम तो जो वो चेयर थी उन्होंने उन, उसने उन दोनों को रूम से बाहर धक्का दे दिया एंड देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम और उसके बाद जो स्लैम uh, क्या होता है दरवाजे को बंद करना तो धड़ाम से ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ और उसके बाद डोर हो बंद हो गया लॉक हो गया मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयरस इन हिस्टेरिक्स हिस्टेरिक्स मीन्स उसको डर लग रहा था तो वो इतनी डर गई थी कांप रही थी कि वो ऑलमोस्ट चेयर्स के नीचे गिर गई शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स तो उसने अपने आप को ये समझा लिया कि उसमें भूत हैं एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर और जो स्ट्रेंजर है मतलब जो साइंटिस्ट है उसने किसी तरह से उस जो आत्मा है भूत है उसको फर्नीचर में भर दिया डाल दिया माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोंड टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ तो कहती मेरी मदर इस पे बैठती होती थी चेयर पे अब सोचो ये उठ के मेरे ऊपर आके बजी है द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट अब उसके जो आस पड़ोस के लोग थे उनको ये लग रहा था कि कोई भूत का काम है बट विच क्राफ्ट और नॉर्थ वेन न्यूज ऑफ द बर्गली एट द क्लर्जी मैं होम बिकेम नोन द स्ट्रीम साइंटिस्ट वॉज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड हैविंग हैड अ हैंड इन इट अब ये जो क्लर्ची मैन के घर पे जो चोरी हुई थी वो जब सभी को पता चल गई तो अब सबसे ज़्यादा शक किसके ऊपर आया था स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे कि उसी का इसमें हाथ है सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश और उस पर और भी ज़्यादा शक हो गया जब उसने उसी टाइम पे रेडी कैश मतलब दे दिया दाओ ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी और उसने थोड़े टाइम पहले ही ये एडमिट किया था कि उसके पास पैसा नहीं है द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फोर अब विलेज कॉन्स्टेबल को बुलाया गया किसी को बिना बताए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हुट समहाउ मिस्टेरियसली अपियर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम तो मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई जो पता नहीं कहाँ से बेडरूम में से सामने आ गया था आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर आप चेयर्स शी डेड उसने कहा मुझे जानना है कि तुम ऊपर मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉकड रूम और मैं ये जानना चाहता हूँ जानना चाहती हूँ कि तुम एक एम टी खाली रूम में से कैसे आए या तुम वहाँ पे लॉकड रूम में कैसे एंटर किए देन साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड द साइंटिस्ट जो था उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था नाउ ही बिकेम फ्यूरियस अब उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम ही चाउटेड वेरी वेल आई शो यू वो कहता तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ और कौन हूँ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. तो so, उसने सब कुछ निकाल दिया। It took him only a minute to do this. अभी सिर्फ उसको एक ही मिनट लगा ये सब करने के लिए। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब जो डरे हुए लोग थे उनके सामने एक headless man खड़ा हुआ था। Mister Jaffers, the constable now arrived. अब constable जी भी पहुँच के उनका नाम क्या था? Mister Jaffers was the name of the constable, ठीक है, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और उस वो बहुत हैरान हो गए कि उस उनको एक ऐसे इंसान को पकड़ना था जिसका हेड नहीं है बट जाफर्स वॉज़ नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्राम डूइंग हिज ड्यूटी मगर उनको उनकी ड्यूटी से जल्दी रोका नहीं जा सकता था इफ़ अजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट दैट दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया है कि किसी इंसान को पकड़ना है तो उसे पकड़ना ही है अब चाहे उसका हेड हो चाहे ना हो देर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ई थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर अब जब पुलिस मान के उसको पकड़ने की कोशिश करी जिसका के जिसके के अब वो और ज्यादा इनविजिबल होए जा रहा था जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारे जा रहा था फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर अंत में क्या हुआ एक शर्ट हवा में उड़ी एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु नॉट सी एट ऑल तो वो कॉन्स्टेबल था किसी के साथ स्ट्रगल कर रहा था मतलब अब वो दिख नहीं रहा था तो वो उस पर जो साइंटिस्ट था वो उस कॉन्स्टेबल पे अटैक कर रहा था बट फाउंड देम सेल्व हिट बाय ब्लॉज दैट सीम टू कम फ्रॉम नेवर नोवेयर तो उसको मुक्के मार रहा था जो साइंटिस्ट था और उसको पता नहीं चल रहा था कॉन्स्टेबल को कि ये कहाँ से आ रहे हैं इन द एंड जाफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प टू होल्ड ऑन टू द अनसिन साइंटिस्ट एंड में क्या हुआ जो मिस्टर जाफर्स थे जो किन्स्टेबल uh, थे उनको मुक्का मार के उसने बेहोश कर दिया जैसे ही जो कॉन्स्टेबल थे उन्होंने अनसिन साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की द वॉज नाव एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम तो सारे लोग चिल्लाने लगे कि पकड़ो इसे पकड़ो बट दिस वॉज इजियर सेट दैन डन तो इसको कहना ईजी था मगर करना मुश्किल था ग्रिफिन हैड शेकन हिम सेल्फ फ्री तो ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम और किसी को नहीं पता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पे हाथ रखने हैं सो दिस वॉज द चैप्टर इट इज़ रिटन बाय H.G. Wells. So you can uh, read. These are the suggested readings. the Invisible Man by H.G. Wells. This is an extract from his book that is The Invisible Man. So enjoy reading. I hope you under uh, understood the chapter. If still any query, please do message me. Do tell me in the comments. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.